अभी जी सर सेंचुरी एन का चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है सर? सर सेंचुरी इनका की बात करूं तो आज अच्छा गैपअप खुला है स्टॉक और 12% ऊपर है। कल 425 पे एक लो बनाया था और आज के दिन अच्छा हाई बनाया 490। मतलब कल के लोअर प्राइस से आज के हायर प्राइस देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी 66 रुपीज, मतलब 15% तक का एक रैली दिया है। चार्ट पर देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। बट कैसा होता है कि जब स्टॉक बहुत बड़ा गैपअप खुलता है या फिर 15-16% अप होता है, उसके बाद उस स्टॉक में ब्रेकआउट बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सेल ऑफ आने के थोड़े से चांसेस है। तो इस पे रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के आपको ट्रेड करना है। करंट मार्केट प्राइस है इसमें 480 रुपीज का, एक स्टॉप लॉस नीचे में लगा है 476 रुपीज का, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 475 का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो 475 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय किया जा सकता है। पहला टारगेट आएगा सर इसमें 490 रुपीज का, और उसके बाद ही आराम से 495 तक इसमें हमें लेवल मिल सकता है। स्टॉप लॉस सही तो थोड़ा नीचे रखे, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा हूँ तो चार्ट थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब मैं जो 2 रुपए की बात कर रहा हूँ तो आराम से 1 मिनट में ही आ सकते हैं, तो 475 की जगह 472 तक का भी स्टॉप लॉस होता है तो चलेगा। थोड़ा सा वोलेटिलिटी होने की वजह से स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया है लोअर साइड। ठीक, उसको फैक्टर इन करते हुए वोलेटिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका स्कोप रखिए गया, क्योंकि जितना वोलेटाइल है दिख रहा है सर, आज ही आज में करीब 12% तेजी और 50 रुपए का फ्लक्चुएशन आज तेजी दिखा चुका है, तो जबरदस्त है। ठीक है सर,